You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must. अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो यार आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं Redmi Note 9S का, जो कि Note 9 Pro इंडियन वेरिएंट के नाम से है। तो हम इसका करने वाले हैं गेमिंग रिव्यू, और ये जो गेमिंग रिव्यू होने वाला है गाइस, ये एक डिटेल्ड गेमिंग रिव्यू होगा जिसके अंदर हम लोग अपना स्टॉप वॉच इस मोबाइल के ऊपर यूज़ करेंगे और देखेंगे कि कितने मिनट में ये कितनी बैटरी को ड्रॉप करता है गाइस। तो साथ ही साथ हम लोग इसके फ्रेम रेट और साथ ही साथ इसके जो ग्राफिक्स हैं उसको भी चेकआउट करेंगे। उसके बाद चेक करने के बाद हम लोग यूज़ करेंगे इसके अंदर GFX टूल और देखेंगे कि GFX टूल के अंदर ये कैसा गेम प्ले हमें प्रोवाइड करता है। तो Redmi Note 9S की अगर बात करें गाइस, तो इसके अंदर आपको लगाया गया है 720G का प्रोसेसर, जो कि एक स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है, और साथ ही साथ इसके अंदर जो बैटरी लगाई गई है वो 5020mAh की बैटरी है, और जो कि 18 वाट के फास्ट चार्ज को सपोर्ट करती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आई कार्ड में आपको मिल जाएगा। आप इसका चार्जिंग टेस्ट भी चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप डिटेल रिव्यू इसका चाहते हैं आप लोग, ऐसे है गेमिंग रिव्यू, साथ ही साथ मैं इसका जो डिटेल रिव्यू है वो बना चुका हूं, तो फुल रिव्यू जो है वो आपको आई कार्ड में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप चेकआउट कर लेना। तो ज़्यादा बोर नहीं करते, सबसे पहले अगर गेम प्ले करते हैं, तो गेम प्ले के दौरान अगर हम जाएँ ग्राफिक्स के अंदर, तो यार ग्राफिक्स के आपके सेटिंग जो है वो डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग आपको मिलती है वो अल्ट्रा और स्मूथ के ऊपर है। अगर अल्ट्रा और स्मूथ के ऊपर हम प्ले करें तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस अच्छा मिलता है। साथ ही साथ अगर हम बैलेंस्ड पे जाएं, तो बैलेंस्ड के साथ भी आपको अल्ट्रा की सेटिंग यहाँ पे मिल जाती है। और अगर ग्राफिक्स HD की बात करें, तो HD के अंदर जस्ट आप लोग हाई और HD के ऊपर ही इसको प्ले कर पाएंगे। तो यार अगर हम बैलेंस्ड पे रख कर खेलें और स्मूथ के ऊपर, तो आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिल सकता है। HD और हाई के ऊपर भी आपको एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा। अगर हम सपोर्टेड की बात करें, तो जो स्पोर्ट्स फ्रेम रेट करते हैं वो अल्ट्रा और स्मूथ हैं डिफ़ॉल्ट के ऊपर। तो अगर आप लोग GFX टूल यूज़ करेंगे, तो यार आपको GFX टूल्स के अंदर भी एक्सट्रीम का ऑप्शन और HD का ऑप्शन भी मिल सकता है, तो आप इजीली यूज़ कर पाएंगे। तो मैं जो है GFX टूल जो है वो इसके बाद यूज़ करूँगा, मैं आपको उसका भी गेम प्ले दिखाऊँगा। सबसे पहले हम लोग गेम प्ले करेंगे, तो साथ ही साथ हम लोग स्टॉप वॉच को भी जो है वो स्टार्ट करेंगे, ताकि हम लोग टाइम नोट कर सकें कितनी बैटरी जो है वो कितने परसेंट ड्रेन हुई है। तो देख सकते हो कि 78% बैटरी अभी रिमेनिंग है, तो चेक करेंगे हम लोग 10 मिनट के बाद के ये कितनी बैटरी ड्रेन करता है। तो लेट्स सी के साथ ही साथ हम लोग करेंगे इसको स्टॉप वॉच को भी प्ले। स्टार्ट करते हैं अपना मैच, जो फर्स्ट मैच हम लगाने लगे हैं गाइस वो है अरीना ट्रेनिंग। तो यार अगर आपको ID वगैरह चाहिए, तो यार इसके ऊपर आप पोज करके मेरी ID भी ले सकते हैं, अगर आप गेम खेलना चाहें मेरे साथ। तो यार अब देखते हैं गेम प्ले कैसा होता है हमें और कैसा एक्सपीरियंस के साथ मिलता है। तो लेट्स सी गेम प्ले करते हैं और देखते हैं इसके अंदर हमें कैसा एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। तो यार अगर आपके जो हैंड के ऊपर अगर आपके ये थम्स जो है वो सही तरीके से स्क्रीन के ऊपर जो है वो इसे मूव नहीं करते, तो आप इसके साथ पाउडर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं इन थम्स के ऊपर थोड़ा सा पाउडर लगाऊंगा, एज़ यू कैन सी यार थोड़े से थम्स के ऊपर आप लोग जो है वो पाउडर वगैरह यूज़ कर सकते हैं। आप जो नॉर्मल पाउडर आप जो यूज़ करते हैं घर पे, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, जस्ट फॉर दी सेक ऑफ के आपके जो ये स्क्रीन के ऊपर जो है वो अच्छे तरीके से आप लोग इसको मूव कर सकें। तो लेट्स सी हमें कैसा एक्सपीरियंस मिलता है। तो यार ये रहा मेरा गेम एक्सपीरियंस, देखते हैं। Irresponsible, too many obstacles, you gotta stop it, yo, you gotta take it slow, you can't be a pro, no, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision, but no, you can't listen, that shit is all fiction, cause you hold the power you're as long as you're dreaming. You're never gonna make it, there's no way that you make it, and maybe you can fake it. But you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Fight back. Yeah. You ain't gonna make it. You ain't never ever gonna break it. You can never beat it.
तो यार 7 मिनट जो हैं वो तकरीबन 8 मिनट्स होने वाले हैं। तो अगर बैटरी की बात करें तो बैटरी जो ड्रेन हुई है वो जस्ट 1% हुई है। तो यार इट्स अ अमेजिंग थिंग कि जस्ट 1% बैटरी ड्रेन हुई है। और सबसे पहले अगर बढ़िया बात करें तो यार इसकी जो बैटरी है एक तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बैटरी है, और ऊपर से आपको जो ब्राइटनेस है वो मैंने रखी हुई है हाफ के ऊपर। 50% जो ब्राइटनेस है इसकी आप चेकआउट कर सकते हैं, और बैटरी जो ड्रेन हुई है वो 77% ड्रेन हुई है। एक मैच मैंने लगाया अरीना ट्रेनिंग का। तो लेट्स सी अब नेक्स्ट जो हम करेंगे इसकी बात टेम्परेचर की। तो अगर बात करें हम लोग इसके जो बैटरी टेम्परेचर की, तो बैटरी का जो टेम्परेचर है वो कहाँ तक पहुँचा तो वो आप देख सकते हैं 37.8 सेल्सियस। तो यार अगर आप इंटेंसिव गेम प्ले भी करते हैं तो यार जो इसका जो बैटरी का जो टेम्परेचर है वो आपको 40 के अराउंड अबाउट ही मिलेगा, जो कि एक नॉर्मल आप कह सकते हैं कि टेम्परेचर है। और हर सेल के अंदर आपको इतना ही टेम्परेचर मिलेगा अगर आप हाई इंटेंसिव गेम प्ले करते हैं। It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. You're never gonna make it. There's no way that you make it. यार जो इंटरनेट है ना मेरा, इंतहाई घटिया किस्म का इंटरनेट है ये PTCL वालों का, कसम से। मैंने जब का लगवाया हुआ है ना यार, एक तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना इरिटेटिंग किस्म का ये नेट है, गेम का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। ये देखें भाई, अब हमारे पास जो बैटरी हुई है वो हो चुकी है हमारे पास 75%। इट्स मीन्स के 2% ड्रेन हुई है हमारे जस्ट साथ साथ आप नोट करते जाएं 2% जस्ट 3% 17 मिनट्स में जस्ट जो है वो 3% जो है वो बैटरी ड्रेन हुई है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त बात है। 3% जस्ट इन 17 मिनट्स। ब्राइटनेस जो है वो हमारी है हाफ के ऊपर, तो आप देख सकते हैं। तो अगर हीटअप की बात करें टेम्परेचर की, तो यार वही आपको 40-41 तक टेम्परेचर मिलेगा। अगर आप रूम में बैठे हों एसी वाले में तो यार मे भी आपको थोड़ा सा टेम्परेचर जो है वो कम मिले, लेकिन अगर आप लोग बैठे हुए हैं फ़ैन के नीचे मेरी तरह, तो यार डेफिनेटली आपको जो है वो टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा, जैसे 40-41 के करीब। तो बढ़िया गन है यार, इसके साथ ज़्यादा मज़ा आता है मुझे। लगाते हैं 2x स्कोप। तो यार अगर आपको सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में जानना है, रेडमी नोट 9S की सेंसिटिविटी, या किसी भी बिगनर्स के लिए जो सेंसिटिविटी सेटिंग होती है पबजी के लिए, तो यार मुझे बताना, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूँगा। तो आपको बकायदा मैं गाइड भी करूँगा कि आपने कैसे जो है वो सेटिंग बनानी है। तो लेट्स सी। Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow. You can't be a pro, no, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power you're as long as you're dreaming. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. तो यार गेम प्ले अब लगाते हैं GFX टूल के साथ। तो लेट्स सी कि क्या होता है। GFX टूल को यूज़ करते हैं, तो देखते हैं कि GFX टूल के साथ आपको कौन से फ्रेम रेट के ऊपर आप खेल सकते हैं, और देखते हैं कि लैग होती है गेम या नहीं। तो GFX टूल मस्ट यूज़ करते हैं यार। बैटरी जो टेम्परेचर है वो आप देख सकते हैं कि जस्ट 39.8 सेल्सियस तक अभी तक वहाँ पर ही ये स्टेबल है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा। मैंने बताया था कि 40-41 के अराउंड आपको मिलेगा।
पे आप लोग सेलेक्ट करेंगे 0.18 ग्लोबल, तो यहाँ से आप लोग रेजोल्यूशन को जो है वो डिफ़ॉल्ट रहने दें, ग्राफिक्स आप लोग स्मूथ के ऊपर चले जाएँ। वैसे तो आप लोग स्मूथ HD के ऊपर भी खेल सकेंगे, लेकिन मेरा जो सजेशन है वो यही है कि यार आप लोग स्मूथ के ऊपर रहें। FPS जो है वो आप लोग 60 का लोग सेलेक्ट कर चुके हैं। एंटी अलाइजिंग स्टाइल्स वगैरह आप लोग सेम वही रहने देंगे। तो रेंडरिंग क्वालिटी अगर आप बढ़ाना चाहें मीडियम और लो, आपकी चॉइस है, आप कर सकते हैं। तो मैं इसी पे लो पे रखूँगा। तो चलते हैं यार, एक तो चलें अब प्ले करते हैं, देखते हैं कि आपको इसके अंदर जो है वो कैसा गेम प्ले देखने को मिलता है। देखते हैं, सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे एक्सट्रीम और स्मूथ का ऑप्शन अवेलेबल दिखाई देगा। तो लगाते हैं एक मैच यार, अरेना ट्रेनिंग ही लगाते हैं हम लोग। स्टार्ट करते हैं दोबारा से अपना जो है वो स्टॉप वॉच भी जो है वो हम लोग कर देते हैं। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर दिया है और बैटरी जो है वो अब तक जो है वो 73% हो चुकी है। There's no way that you make it, and maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that, make them take it all back? Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? तो यार मैच जो है वो कंप्लीट हो चुका है हमारा। 32 मिनट्स जो हैं वो तकरीबन 30 मिनट्स का हम गेम प्ले कर चुके हैं। तो अगर बात करें यार बैटरी ड्रेनेज की, तो बैटरी ड्रेनेज जो हुई है वो 71% हो चुकी है। इट्स मींस कि 7% जो बैटरी है वो अभी अब तक जो ड्रेन हो चुकी है आधे घंटे के अंदर। तो आधे घंटे के गेम प्ले के बाद विद GFX टूल्स, विदाउट GFX टूल जो है वो आपकी जो बैटरी हुई है वो हुई है आपकी जो है वो जस्ट 7%। तो अब देखते हैं यार ये कब तक जो है वो बैटरी तो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि जाएगी, और काफ़ी हद तक आप इसको मान सकते हैं कि आपको 5-6 घंटे लगातार आपको पबजी इसके अंदर खेलने को मिलेगी। लेकिन मेरी सजेशन यही है यार, एक घंटा गेम प्ले करने के बाद 40-45 मिनट्स के बाद अपने मोबाइल को भी रेस्ट दें, अपने माइंड को भी रेस्ट दें। उस ऐसी यूज़ जो होता है किसी भी चीज़ का वो नुकसानदेह हो सकता है। तो लेट्स प्ले क्लासिक मैच लगाते हैं हम लोग एक, तो क्लासिक मैच लगाते हैं हम लोग एक, देखते हैं कि इसके अंदर आपको ग्राफिक्स कैसे मिलते हैं। तो लेट्स प्ले क्लासिक मैच। अब देखते हैं कि हमारी जो वॉच है वो अभी तक कंटिन्यू है। Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? तो यार हो चुके हैं हमारे पास 50 मिनट्स। तो बैटरी जो ड्रेन हुई है वो जस्ट आपकी 68% है अब। तो जो 10% बैटरी ड्रेन हुई है वो जस्ट हुई है आपकी 48 मिनट्स के गेम प्ले के अंदर। तो इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि यार इसका जो बैटरी टाइमिंग है आप देख सकते हैं, जो ऑप्टिमाइजेशन है इसकी, मुझे लगता है गेमिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा इसको ऑप्टिमाइज किया गया है। तो अब देखते हैं कि थोड़ा सा इसको गेम प्ले करते हैं हम लोग मज़ीद। तो फ्रेम ड्रॉप वगैरह आप देख सकते हैं, मैं इसको काफ़ी देर से प्ले कर रहा हूँ। तो अब देखते हैं यार इसका लैग वगैरह कोई इशू नहीं आया, GFX टूल्स मैंने यूज़ कर रहा हूँ। तो यार देख सकते हैं आप लोग, किसी किस्म का लैग नहीं है, किसी किस्म का इशू नहीं आया मुझे अभी तक। और बैटरी की जो बात करें यार, वो काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का मुझे एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया है इसने। 50 मिनट्स के अंदर आप देख सकते हैं कि जस्ट 10 मिनट्स जो है वो बैटरी ड्रॉप हुई है, मीन्स कि एक घंटे के अंदर आपकी जस्ट 12-13 मिनट्स की बैटरी जो है वो ड्रेन होगी। पिक्चर की जो रेंडरिंग आप देख सकते हैं काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से रेंडर कर रहे हैं। तो यार कोई इशू नहीं आने वाला, बेफिक्र हो के आप लोग इसको गेम प्ले के लिए ले सकते हैं पबजी के लिए। काफ़ी ज़बरदस्त एक्सपीरियंस मुझे मिला इसके साथ। तो यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं यार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो यार। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर भी कर देना यार, बिना देखे हुए चले जाते हो यार, लाइक भी नहीं करते। तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नहीं भी करोगे तो नो प्रॉब्लम यार, मैं तो इस तरह की वीडियो बनाता रहूँगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टेक केयर।